मैं बरकतुल्ला खान मुरादाबाद से, रोडवेज परिवहन निगम से। किस तरह का ट्रायल आज चल रहा है? ये हमारी इंटर जोनल प्रतियोगिता 13 जनवरी 2023 में स्टार्ट होने वाली है लखनऊ, तो उसी के लिए हमारा नॉर्थ जोन की टीम ये बननी है, जिसमें हमारा इटावा इसमें और आगरा, मुरादाबाद मंडल पूरा, बरेली मंडल और हरदोई, ये इसमें सारे खिलाड़ी वहाँ से आए हैं। उनका आज ट्रायल था, कोच साहब जो है नीतीश जी, उन्होंने ट्रायल लिया है और ये 15 खिलाड़ी को टीम बना के देंगे हमें। उसके बाद फिर वो टीम 13 जनवरी को लखनऊ जाएगी खेलने के लिए, वहाँ से 4 टीमें और बन जाएंगी। यूपी को 6 हिस्सों में बांटा है, 6 टीमें बनकर आएंगी, जो इंटर जोनल प्रतियोगिता जो है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की लखनऊ में होगी 13 जनवरी से। कितने दिन चलेगी ये? 3 दिन, 13, 14, 15। ऐसे जैसे हमारा नॉर्थ जोन की टीम का ट्रायल यहाँ जगमोहन जी ने रखा है, यहाँ पर इनका पूरा अच्छा इंतजाम किया उन्होंने, बहुत बढ़िया। और ऐसे ही हमने अलग अलग जोन में अलग अलग टीमों का सिलेक्शन हो रहा है, वो टीमें सब सिलेक्ट हो गई फिर लखनऊ पहुँचेंगी 13-12 को रिपोर्ट करना है। ट्रायल कब तक? बस ये फिनिश हो गया, यहाँ के ट्रायल नॉर्थ जोन का फाइनल हो गया। ये कोच साहब टीम का ऐलान करेंगे, 15 खिलाड़ी को टीम बना के देंगे। ये नितेश भारद्वाज, मैं यूनिवर्सिटी प्लेयर हूँ, नॉर्थ यूनिवर्सिटी। आज नॉर्थ जोन रोडवेज का ट्रायल हुआ, इसमें लमसम 50 खिलाड़ियों ने ट्रायल प्रतिभाग किया। इटावा, हरदोई, मुरादाबाद मंडल और बरेली मंडल के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। उसमें से चयन के आधार पर, बैटिंग बॉलिंग के आधार पर एक टीम बनाई जाएगी, जो कि सबमिट कर दी जाएगी ठीक है। बरेली मंडल को, जिन्होंने आयोजित किया है ट्रायल। ठीक, धन्यवाद।